हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 के विषय हिंदी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में हम देखेंगे अगेन आगे के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ एनएएस का मुख्य फॉर्म पहले हमने भी बताया हुआ है आपको, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम है जो कि नवंबर में होने की संभावना है। तो यहाँ अब हम पार्ट सेकंड देखेंगे जिसमें हम अगेन 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देन इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। गद्यांश है, मावजी की मुख्य गादी साबला में है, मावजी के बाद उनकी पुत्र वधु जन कुंवरी गादी पर बैठी। वह लगभग 80 साल तक गादीपति रही। उन्होंने ही हरि मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां मावजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते, बांसुरी बजाते और गाय चराते थे। बैनेश्वर टापू पर वागड़ क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया है। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर हैं। साबला गादी के महंत जी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की, ठीक है। बैनेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी ही नहीं, औरतें भी, बालक ही नहीं, बालिकाएं भी, जवान ही नहीं, बूढ़े भी, गरीब ही नहीं, अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। मेला स्थल पर दुकान मनोरंजन की भरपूर साधन थे। दुकानों में खेती और गृहस्थी के लिए आवश्यकता की सभी वस्तुएं थी। वहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे, खिलौने, धनुष, तीर, झूले, चक्री, सर्कस, मदारी, जादू के खेल भी थे। सब उनका आनंद ले रहे थे। मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी और बाल चर अपनी सेवाएं दे रहे थे, ठीक है। इस तरह से गद्यांश है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, मावजी की मुख्य गादी स्थित है, कहाँ स्थित है मावजी की मुख्य गादी? मुख्य गादी है साबला, जो कि कहाँ है? बैनेश्वर में, ठीक है। तो यहाँ कहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बे साबला, ठीक है। 22 है क्वेश्चन, हरि मंदिर किसने बनवाया? हरि मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शंस है जन कुंवरी जी ने, ठीक है, जो कि मावजी की पुत्र वधु थी। 23 क्वेश्चन है, बैनेश्वर में चहल पहल बढ़ने का क्या कारण था? वहाँ सर्कस हो रहा था, वहाँ मेला चल रहा था, मनोरंजन हो रहा था। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, वहाँ मेला चल रहा था, ठीक है। 23 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, वहाँ मेला चल रहा था, इसलिए चल पहल बढ़ने का ये मुख्य कारण है वहाँ। 24 है, बच्चे मेले का आनंद कैसे ले रहे थे? बच्चे मेले का आनंद ले रहे थे गुब्बारे व खिलौने लेकर, मदारी जादू के खेल देखकर, झूले चक्री सर्कस से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। 25 क्वेश्चन है, त्रिदेव किसे कहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा है। तो उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में किसका मेल सही नहीं है? वागड़ के क्षेत्र द्वारा ब्रह्मा जी मंदिर का निर्माण, साबला क्षेत्र के द्वारा महाजी की मुख्य गादी, बैनेश्वर मेले की शुरुआत जन कुंवरी द्वारा, मेले की शुरुआत हरि मंदिर पर झंडा फहराकर। तो यहाँ 26 का आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ जो मेल सही नहीं है, बैनेश्वर मेले की शुरुआत जन कुंवरी द्वारा, ये गलत है। मेले की शुरुआत हुई थी हरि मंदिर पर झंडा फहराकर, जो महंत जी थे उन्होंने उनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से गलत है। 27 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? गाय, टापू, कर्मचारी, धनुष। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, बालक का स्त्रीलिंग शब्द है? बालिका, ठीक है। तो यहाँ आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, हरि मंदिर शब्द में समास है, हरि मंदिर में समास कौन सा होगा? समास होगा ऑप्शन बे तत्पुरुष समास, हरि का मंदिर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, जवान, बूढ़े, गरीब, अमीर, देशी, विदेशी आदि शब्द हैं, क्या हैं ये? तो ये शब्द हैं विलोम शब्द, जवान का बूढ़े, गरीब का अमीर, देशी का विदेशी, ठीक है। ये सभी क्या हैं? विदेशी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं,
तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अगेन एक गद्यांश दे रखा है जिसे ध्यानपूर्वक के पढ़कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन की आंसर करने हैं। तो गद्यांश है बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। ठीक है, तो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो यह आपकी लाख की चूड़ियों चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा लाख की चूड़ियाँ। अगर नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर हमने बता रखे हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन है, इसी गद्यांश से रिलेट है। बदलू चूड़ियाँ बनाता था, कैसी चूड़ियाँ बनाता था बदलू? कांच की, लाख की, प्लास्टिक की, मेटल की? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, लाख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय से आशय है वस्तु के बदले रुपए, रुपए के बदले अनाज, अनाज के बदले रुपए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा, वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे बदलू जो है लाख की चूड़ियों के बदले में दूसरी वस्तु लेता था, जैसे अनाज ले लेता था और भी वस्त्र ले लेता था, तो इस तरह से वस्तु विनिमय इसे कहा जाता है। 33 क्वेश्चन है, वह चूड़ियों के बदले क्या लेता था? चूड़ियों के बदले लेता था वस्तुएं और अनाज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं रंगरेस, मनिहार, सुनार, लोहार। चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं मनिहार। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, सुहाग के जोड़े से आप क्या समझते हैं? सुहाग के जोड़े से वधू के द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं वो सुहाग का जोड़ा कहलाता है। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, बदलू स्वभाव से कैसा था? झगड़ालू, जिद्दी, सीधा, कठोर। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा सीधा, बदलू स्वभाव से सीधा व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्न में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? शादी विवाह, मिलना, बनाना, बेचना। तो सब में ना आ रहा है बै से दै में, तो ये क्या है? क्रिया शब्द है, जबकि शादी विवाह एक युग्म शब्द है जिसे हम यहाँ एक क्रिया शब्द नहीं मानेंगे। तो यह है ऑप्शन ए गलत हो जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ टिक कर देंगे ए को, शादी विवाह जो कि क्रिया शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू को विवाह के जोड़े के बदले कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी? घरवाली के लिए वस्त्र, बहुत सारा अनाज, पगड़ी व रुपये, सोने की घड़ी। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा द, सोने की घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, पैतृक शब्द से आशय है नया बनाया हुआ, भाई से प्राप्त, तकनीकी से प्राप्त या पिता से प्राप्त पुश्तैनी। पैतृक शब्द का अर्थ होता है पिता से प्राप्त जो पुश्तैनी होता है उसे पैतृक कहा जाता है। जैसे पैतृक घर, पैतृक संपत्ति जो कि पिता से प्राप्त होती है अपने पुत्र को। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का 40 क्वेश्चन, संसार शब्द का पर्यायवाची है। संसार का पर्यायवाची जग है, धरती है, चूड़ी है, अनाज है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा जग, जग जो कि संसार का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए को यहाँ करेक्ट कर देंगे। तो ये था पार्ट सेकंड कक्षा 8 के विषय हिंदी के NS प्रश्न बैंक का। इससे आगे हम और भी क्वेश्चन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।